और ताइवान मुद्दे पर चीन और अमेरिका में टेंशन और ज्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने अमेरिका को फिर से धमकी दी है। गुआम सुरक्षित है या नहीं, ये वॉशिंगटन पर निर्भर करता है। ग्लोबल टाइम्स में ये बात कही गई है। साथ ही पीएलए की हिट रेंज में अब गुआम भी है। गुआम द्वीप पर अमेरिका का सैन्य अड्डा है। ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका अब तक के सबसे बड़े टकराव के दौर से गुजर रहे हैं। चीन ने एक बार फिर अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि ताइवान का सवाल पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए लेख लिखा है, गुआम सुरक्षित है या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि वॉशिंगटन क्या भूमिका निभाना चाहता है। गुआम सहित अमेरिका के सभी सैन्य ठिकाने पीएलए की मारक क्षमता के दायरे में हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में ये भी लिखा है कि गुआम पर्ल हार्बर नहीं है और चीन भी जापान नहीं है। हम आपको बता दें कि पर्ल हार्बर और गुआम अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर बिना चेतावनी के हमला कर दिया था और इसमें अमेरिका के 2500 सैनिकों की मौत हो गई थी। इसी के बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया। वहीं गुआम भी अमेरिका का हिस्सा है, वह इसका सैन्य अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। चीन से गुआम की दूरी 5000 किलोमीटर से भी कम है, जबकि अमेरिका इससे करीब 12000 किलोमीटर दूर है।